नहीं बता रही हूँ, सीधे केमिकल रिएक्शन आनी स्टार्ट कर रहे हैं। फिर टाइम बचेगा तो तुमको फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बता दूंगी, ठीक है। चलो, जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शंस हम लोग को किसकी देखनी है? रिएक्शन ऑफ मेटल। क्या देखना है? रिएक्शंस ऑफ मेटल, ठीक है ना। जब हम लोग मेटल की रिएक्शन देखेंगे तो सबसे पहली रिएक्शन क्या होती है ना? मेटल प्लस ऑक्सीजन। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, गिव्स मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। तो जब हम लोग मेटल प्लस ऑक्सीजन करेंगे तो हमेशा क्या देखेंगे? मेटल प्लस ऑक्सीजन इज मेटल ऑक्साइड। हमें मेटल्स कौन कौन से लेने हैं? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और एल्यूमिनियम, ठीक है। क्या नहीं, जिंक भी लेंगे हम लोग, आयरन, जिंक, क्यों? एल्यूमिनियम पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। हाँ बेटा, ठीक है ना। अब सुनो, सबकी रिएक्शन किसके साथ करनी है हमको? ऑक्सीजन के साथ। सबकी रिएक्शन किसके साथ करनी है? सबकी रिएक्शन जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो कुल मिला के बनेगा तो क्या? मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो क्या मेटल ऑक्साइड ही। यहाँ क्या बनेगा? Na2O, यहाँ बनेगा K2O, यहाँ बनेगा MgO, यहाँ बनेगा CaO, यहाँ बनेगा Fe2O3, यहाँ बनेगा ZnO, यहाँ बनेगा Al2O3, ठीक है। आया समझ में? मुद्दा मुद्दा ये जो पहले के सारे हैं, यहाँ ये सारे क्या फॉर्म करते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स। क्या फॉर्म करते हैं? ठीक है ना। और ये जो दो होते हैं ये क्या फॉर्म करते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये क्या फॉर्म करते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? वो दैट रिएक्ट विथ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, दैट रिएक्ट विथ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, रुको। अब यहाँ पर जो रिएक्शन होता है, यहाँ पर जो रिएक्शन होता है वो कैसा होता है? हाईली विग्रस। कैसा होता है? हाईली विग्रस। इतना विग्रस होता है कि सोडियम और पोटेशियम दे कैच फायर व्हेन लेफ्ट इन एयर, कैच फायर व्हेन केप्ट ओपन इन एयर। और यही रीजन होता है कि इसको हम लोग काय में स्टोर करते हैं? केरोसिन। यही रीजन होता है कि इसको हम लोग काय में स्टोर करते हैं? केरोसिन में, ठीक है ना। यहाँ पर रिएक्शन कंपैरेटिवली लेस विग्रस रहता है। कैसा रहता है? और बहुत बार आपको रिएक्शन करवाने के लिए क्या करना पड़ता है? हीट देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? हीट देनी पड़ती है। अदरवाइज इनका जो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, इन तीनों का रिएक्शन कैसा होता है? स्लो। जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, लोहे के आर्टिकल्स रहते हैं, धीरे 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 आयरन ऑक्साइड बनता है, धीरे 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 जिंक ऑक्साइड बनता है, धीरे 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 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर आपको बहुत फास्ट रिएक्शन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? हीट देनी पड़ेगी। अदरवाइज नेचुरली इनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या होता है? स्लो होता है। इज इट क्लियर? आगे जाएं। अब सुनो, जब मैंने कहा कि ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, जब मैंने कहा कि ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, इस बेसिक ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ? दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म बेसिस, दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सारे ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, बेसिक ऑक्साइड्स। इन दोनों को छोड़ देना, जिंक और एल्यूमिनियम को। यानी कि Na2O पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? NaOH, ठीक है ना। K2O पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? KOH। आई बात समझ में? बोलो, कोई परेशानी? तो जितने भी बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं ये पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? बेसिस फॉर्म कर लेंगे। बोलो, कोई परेशानी? आगे जाएं। सुनो, अब देखेंगे रिएक्शन विथ वाटर, क्या देखेंगे? रिएक्शन विथ वाटर। हार्दिक बाद में छापना। ठीक है, आप सुनो। नॉर्मली जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्या बनाएंगे? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। लेकिन 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 कुछ मेटल्स होते हैं जो जब पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो पानी के साथ तो करेंगे ही नहीं। किसके साथ करेंगे? स्टीम के साथ। और स्टीम के साथ रिएक्ट करने के बाद भी वो क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। क्लियर है क्या? अब सुनो, पहले आम मेटल जैसे कि कौन? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है ना, बस बहुत है। ठीक है ना। और फिर ये जो दोनों है ना, ये सब किसके साथ रिएक्ट करेंगे? पानी के साथ। अच्छी बात क्या है कि सोडियम और पोटेशियम तो ठंडे पानी के साथ भी क्या कर जाते हैं? रिएक्ट कर जाते हैं। कैल्शियम भी ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है। यहाँ चितनूर क्या बनता है? NaOH। यहाँ बनेगा KOH और यहाँ बनेगा CaOH twice प्लस हाइड्रोजन। ये जो रिएक्शन होती है बेटा, हाईली विग्रस रिएक्शन। और यही रीजन है कि सोडियम पोटेशियम को सीधे अपन में स्टोर करते हैं, केरोसिन में, पानी में भी स्टोर नहीं करते, क्योंकि ये पानी के साथ भी हाईली विग्रस रिएक्शन देता है। ठीक है क्या? ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन इसकी रिएक्शन कैसी रहती है? लेस विग्रस रहती है। ठीक है ना। मैग्नीशियम ठंडे पानी से रिएक्ट करता है, ये गर्म पानी से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्लियर? रुको जरा, यहाँ पर ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं ये क्या करते हैं? दे फ्लोट ऑन वाटर। क्या करते हैं? दे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये पानी पर फ्लोट क्यों करते हैं? ये पानी पर फ्लोट क्यों करते हैं? तो क्यों करते हैं? जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स रहते हैं, हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स रहते हैं वो अनरिएक्टेड, कैल्शियम और मैग्नीशियम को क्या करते हैं? ऊपर ले जाते हैं। आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है क्या? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है? जी हाँ। ठीक है, फिर रही बात हमारे 3 स्टीम वाले मेटल्स की, जैसे कि कौन? जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम। ये भी पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन पानी कौन से फॉर्म में होगा? स्टीम के फॉर्म में होगा। कौन से फॉर्म में होगा? स्टीम के फॉर्म में होगा। और ये क्या बनाएंगे? ऑक्साइड्स। ये क्या बनाएंगे? ऑक्साइड्स। क्या ये हाइड्रोक्साइड बना पाएंगे? नहीं। क्या ये हाइड्रोक्साइड बना पाएंगे? जवाब है क्या? नहीं। इज दैट क्लियर? अनरिएक्टेड कैल्शियम और मैग्नीशियम को ये क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे। इज दैट क्लियर? सुनो सुनो सुनो, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, सिंपल सी रिएक्शन है ना। सोडियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया, कैल्शियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है ना, आयरन ले लिया और एल्यूमिनियम ले लिया। सबको हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ? HCl के साथ नहीं, 3 को HCl के साथ करवाती हूँ, 3 को H2SO4 के साथ, ताकि तुमको दोनों रिएक्शन सही से दिख जाए। ठीक है, नहीं है जरूरत, मतलब वो क्या 2 वैलेंसी वाले अपने पास 2 हो गए ना, कैल्शियम और रिएक्ट सारे ही करते हैं। जिंक की बोलेगी तो लिख देती हूँ। ठीक है ना। इधर 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 NaCl प्लस H2 K2SO4 प्लस H2 तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सिंपल रहता है, जो ऊपर वाले मेटल्स रहेंगे इनकी रिएक्शन हाईली विग्रस रहेगी। जैसे जैसे नीचे अच्छा यहाँ नीचे से ना, एक मिनट इसको कर देते अपन लोग करेक्ट। यहाँ कुछ एलिमेंट्स है ना जो मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना। इधर मेटल्स डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस, मेटल्स डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्यों, तो हम लोग बोलेंगे कि जो नाइट्रिक एसिड होता है, जो नाइट्रिक एसिड होता है वो क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके काय में कन्वर्ट कर देता है, वाटर में, और खुद खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस, और रिड्यूस होके क्या बन लेता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। रिड्यूस होके क्या बन लेता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। रुको जरा, सब्र करो। बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, वेरी डाइल्यूट। अभी हम लोग कुछ दिन पहले कहीं तो क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 5% नाइट्रिक एसिड, याद है क्या? या तो खाते वाले में क्या होगा तो बच्चों को याद नहीं होगा, विनयनगर वालों को अगर याद नहीं है तो करवाया ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के लिए वो कितनी बार लिख देते हैं, 5% सोल्यूशन। 5% सोल्यूशन मतलब 95 पार्ट्स ऑफ वाटर, 5 पार्ट्स ऑफ एसिड, मतलब ये क्या हो गया, बहुत डाइल्यूट। अच्छा 10% बोलते तो भी डाइल्यूट होता, 15% बोलते तो भी डाइल्यूट होता। आ रही है बात समझ में? तो ये वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करवाएंगे। आई क्या बात समझ में? क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है? हाँ। क्या ये बहुत बार आ चुका है? हाँ। क्या इस पर तुम्हारा रिएक्शन विद वाटर क्या होता, रिएक्शन विद एसिड क्या होता है? खत्म। हाँ छाप लो इसे, मतलब छापना यानी कि फोटो ले लो, लिख लो। नाइट्रिक एसिड इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, it oxidizes the hydrogen produced to water and itself gets reduced to one of the oxides of nitrogen, and itself gets reduced to one of the oxides of nitrogen. ठीक है, बोलो कोई परेशानी? आगे जाए, जल्दी बोलो। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारी किसकी रिएक्शंस खत्म होती है, मेटल की। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पर वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इज्जत से चैप्टर 1 में। वो भी रिवाइज करवाऊंगी, लोड मत लेना, ठीक है। आगे की कहानी करते हैं नॉन मेटल्स की रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ, एक रिएक्शन है, चार पांच वो एसिड बेसिस सॉल्ट्स की वैसे वो MnO2 बनता नहीं, MnCl2 बनता है अगर, तो नहीं MnNO3 बनेगा, मैंगनीज नाइट्रेट और प्लस H2। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल में तुमको कुछ नहीं करना है। नॉन मेटल्स एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स नॉन मेटालिक ऑक्साइड, गिव्स नॉन मेटालिक ऑक्साइड। आई बात समझ में? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्यों ध्यान से देखना? इसमें से कुछ तो रहेंगे क्या, एसिडिक ऑक्साइड्स, कुछ क्या रहेंगे एसिडिक ऑक्साइड्स, और कुछ क्या रहेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड्स, कुछ क्या रहेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड देखो, एसिडिक ऑक्साइड देखो, कार्बन लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, अगर इसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 यानी कि क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। वैसे ही जब आप सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे और सल्फर डाइऑक्साइड बना तो सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया और NO2 गैस बनी, तो NO2 को जब आप पानी के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपके पास बनेगा HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड। क्लियर है? ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाए तो क्या बना, पानी, तो ना ये एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया और गलती से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन गया, ये क्या था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसका नेचर कैसा रहेगा, न्यूट्रल। ठीक है ना, वैसे ही कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना तो वो भी क्या होगा, न्यूट्रल। इज दैट क्लियर? बोलो, कोई परेशानी? कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड और नाइट्रस एसिड। क्या बेटा? हाँ हाँ हाँ, ये गैसेस रिलीज होती है H2O के साथ बन जाती है। फिर बोलो, कोई परेशानी? लास्ट देखो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का हम लोग ने देखा दो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते, कौन से, एक हम लोगों ने देखा कौन से, ZnO, और दूसरा कौन सा देखा, Al2O3। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो रहते हैं वो क्या करते हैं, एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी। तो मैंने कहा इन दोनों की रिएक्शन हम लोग HCl के साथ भी देखेंगे और इन दोनों की रिएक्शन हम लोग NaOH के साथ भी देखेंगे। तो ZnCl2 बनेगा यहाँ पे प्लस H2O, यहाँ पर बनेगा ZnNa, अरे हाँ सॉरी, Na2ZnO2 प्लस H2। वैसे यहाँ पर क्या बनेगा, AlCl3 प्लस H2O और यहाँ बनेगा NaAlO2 प्लस H2। इसे हम लोग कहते हैं जिंक क्लोराइड, इसे हम लोग कहेंगे सोडियम जिंकेट, इसे हम लोग कहेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड और इसे हम लोग बोलेंगे सोडियम एल्यूमिनेट। इज दैट क्लियर? ये क्या है, तुम्हारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये 5 मार्क में भी आते हैं। बोलेंगे नेम टू एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और अपना डिफाइन लिखनी है, फिर एग्जांपल देना है और रिएक्शन बतानी है। ये तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन बन गया, करना कुछ नहीं है, 4 रिएक्शन। या फिर ये XYZ वाले क्वेश्चन से भी आ सकते हैं कि एक आया था कि एक कंपाउंड, एक एलिमेंट है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, फिर उसमें वो थर्माइट रिएक्शन जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो और मेरे हिसाब से मैंने करा भी था ये मेरे नगर में, तो ये जो कहानी है ये तुमको वहां पर भी क्या करेगी, काम आएगी। क्या एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उसका एग्जाम्पल, उसकी रिएक्शन, ये बन गया एक 5 नंबर का क्वेश्चन। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के नाम बताने का 1 नंबर, ठीक है, उसकी डिफाइन का 1 नंबर और ये 4 रिएक्शन के 3 नंबर। क्वेश्चन खत्म। ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसेस, वो क्या करेंगे तुम्हारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। एंजल फोटो ले ले, खींच लिया। चलो तो सुनो, अब जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हैं वो विनयनगर पे, विनयनगर वाले